नमस्कार, आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। जैसा आपने देखा होगा कि सूर्य से संबंधित थंबनेल में या फिर लाइन पे जो है लिखा था, सूर्य से संबंधित मैं कुछ चीजें बताऊंगा। बिल्कुल सत्य है ये। काल पुरुष की, अगर काल पुरुष मतलब हम और आप, काल पुरुष के लिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, पितृ कारक भी है आत्मा के साथ में। पिता का विचार भी कहीं ना कहीं सूर्य के हिस्से से या सूर्य की उंगली से किया जाता है। यह आत्मा है, यह स्वभाव है। अगर सूर्य की बात करें तो इस स्वभाव को भी दिखाता है, यह आरोग्यता को दिखाता है। राज देवालय का सूचक है, अगर मैं बात करूं सूर्य की। धन है, धन का भोग है, भोग के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य से भी भोग की इत्यादि चीजों को देखा जाता है। सरकार है, सरकारी सुख है। पूर्वजों की अगर कहा जाए, धन संपदा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित चीजों का विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सूर्य के बारे में या सूर्य की उंगली के बारे में नहीं पता। सूर्य की उंगली ये है जिसे हम अनामिका कहते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, ये वाली उंगली सूर्य की है और ये दो पोर, ज्यादातर लोगों के दो पोर होते हैं, किसी किसी के तीन हो जाते हैं और कुछ लोगों के मैंने देखे चार हैं, लेकिन दो हैं तो ज्यादा अच्छा है। दो पोर हैं। पहला पोर अगर बात किया जाए यश है, तीसरा पोर अगर बात करा जाए तो समाज में यश, समाज में प्रतिष्ठा। ये घर की बात करेंगे, घर के यश की बात करेंगे, ये समाज से संबंधित चीजों में यश को दिखाता है। ये हिस्सा अगर आपका पहला पोर, यहां मैं बना देता हूं, ये सूर्य की उंगली मैंने बनाई। पहला पोर अगर आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, ये पोर आपका ठीक ठाक सा लंबा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रवास को दिखाता है। प्रवास, प्रवास का सूचक है, ये विदेशी यात्रा को दिखाता है, घर से दूर जाके धन कमाने को दिखाता है। अगर इस जगह पे किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं है और ये हिस्सा आपका लंबा है, ठीक है, ये हिस्सा अगर लंबा है तो विदेश से संबंधित या जहां पर भी आप पैदा हुए हैं वहां से दूर जाके काम करने को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद देखिए, सूर्य की उंगली जैसे हम बात कर रहे हैं, सूर्य की उंगली अगर आपकी लंबी है, लंबी होने का मतलब ये शनि की उंगली से आप कंपेरिजन करिएगा। शनि का ये तीसरा पर्व, ये वाला पर्व जो है, ठीक है, जहां पर एक रेखा खींची होगी आपकी, पर्व के आधे के ऊपर, आधे के ऊपर आ रही है। अगर बराबर हो जाएगी अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा छोटा है तो वो ज्यादा अच्छा मैं कहलाता, ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा। अगर सूर्य की उंगली लंबी है, पतली है, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए विद्वान होते हैं, लेखक बड़े अच्छे होते हैं। भौतिक सुखों को भी ये दिखाता है, कहीं ना कहीं सभी प्रकार के सुख, चाहे वो वाहन का हो, चाहे घर का हो या अन्य कोई सुख हो, ये उसको भी दिखाता है। सूर्य की उंगली पे अगर कहें स्पष्ट साफ दो या तीन रेखाएं हैं, अगर सूर्य की उंगली के पहले पोर पे दो से तीन रेखाएं हैं, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। जिस घर में पैदा होते हैं कहीं ना कहीं घर का विकास या तरक्की होती है, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। बड़े व्यवसायी को भी दिखाता है, बड़े पद को भी दिखाता है। अगर इस जगह पे तीन से ज़्यादा रेखाएं हैं तो धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीन है, तीन तक हैं, दो तीन चार पाँच छः, धन आएगा। अगर तीन से ज़्यादा रेखाएँ हैं तो ऐसे लोगों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को महिलाओं के या स्त्रियों के कारण धन का नुकसान होता है। अगर यही रेखाएं ऊपर हो, पॉलिटिक्स के लिए अगर कहा जाए या जनता से जुड़ के काम करने के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोग किसी के लिए थोड़ा करते हैं लेकिन वाहवाही या नाम ज्यादा होता है। व्यक्ति के जीवन में सुखों को ही दिखाता है व्यक्ति जी, ऐसे व्यक्ति जो है सुखी होते हैं। आध्यात्मिक जीवन को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है आध्यात्मिक होता है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि लोगों की सेवा भी करेगा। ये पर्व अगर लंबा है सूर्य का, यहाँ बता देता हूँ मैं, ये देखा है ना,
ये पर्व अगर लंबा है, तीसरा पर्व अगर सूर्य का लंबा है, ये यश है, ये सफलता है। जितना साफ होगा और जितना लंबा होगा उतना ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, उतने ही व्यक्ति को यश मिलता है जीवन में। नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर इस जगह पे टेढ़ी रेखा हो जा रही है, रेखाएं सीधी थी उसके बाद टेढ़ी हो गई या रेखा लहरा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान में कमी को दिखाता है, सरकारी तंत्र से नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोग जहां पर भी काम करते हैं, वहां पर बॉस हो गया, अधिकारी हो गया, उनका सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। अगर तीसरे पर्व पे या पहले पर्व पे तिल या दाग है, आप पूरी उंगली पे समझ लीजिए। अगर उंगली पे अगर कहा जाए, क्योंकि एक एक करके मैं बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। सूर्य की उंगली पे अगर दाग है या तिल है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो वही हैं, ठीक है, उसको वैसे ही देखिएगा। तिल की बाग मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि पिता को कष्ट देता है। अब दूसरे पे है तो पिता के चाचा को कष्ट देगा, पिता के भाई को कष्ट देगा, आपके चाचा को। दूसरे पे है तो व्यवसाय में आप सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर उंगली पे तिल आ रहा है, कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी या पिता को कष्ट, ठीक है, वो कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो कष्ट जो है कहीं ना कहीं जीवन में तनाव को दिखाता है। इसके बाद ये तीसरा पर्व है। तीसरे पर्व पे अगर चंद्र आकृति आ रही है, चंद्रमा की आकृति कई लोगों की मिल जाएगी, भाग्य में कमी को दिखाता है, भाग्य में कहीं ना कहीं कमी होती है, वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव को दिखाता है, विवाह को लेके ऐसे लोग बड़े चिंतित होते हैं और विवाह होने के उपरांत चिंताएं और बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में हमेशा किसी के कहे के अनुसार कहीं कहीं जाना है, कहीं किसी के साथ जाना है, या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहिए, ये धोखे को दिखाता है और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में धोखा लगता है किसी व्यक्ति के कारण। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर चांद का निशान बन रहा है तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अभी बुध के बारे में बताऊंगा, शनि के बारे में बताऊंगा, गुरु के बारे में बताऊंगा और शुक्र के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।